सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जयपुर की पवित्र भूमि, इस संध्या की वेला पर हम सभी यहाँ एक चिंतन के साथ इकट्ठे हुए हैं साथियों। जन स्वाभिमान मंच ये आप लोगों का अपना परिवार है, अपना मंच है, और ये एक हमारे मन का दर्द है, पीड़ा है। इस पीड़ा को लेकर के हम निकल पड़े हैं, ढाणी से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर आज जयपुर पहुंचे हैं आपके बीच में। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे युवा साथी और जितने भी सर्व समाज के संगठन यहां पहुंचे हैं, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सब उपस्थित प्रिय सज्जनों, युवा साथियों, मातृशक्ति आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजस्थान की वर्तमान की जब हालत की बात करते हैं तो कहीं न कहीं राजस्थान की व्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। मेरे साथियों, हमें कहीं न कहीं छला गया है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ऐसा धोखा हुआ है कि हम लोग उस धोखे से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। ये समय है 2023, आने वाले समय में बंधुओं अभी जरा विचार करें, ये चुनाव का सीजन चल रहा है और सीजन के समय सीजन की बात होनी चाहिए। ऐसे समय पर हम सब लोग निकले हैं जन स्वाभिमान मंच के लिए। जन स्वाभिमान का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य जाति का इंसान इस राजस्थान की मिट्टी पर, इस राजस्थान की धरा पर जो जिएगा, स्वाभिमान के साथ जिएगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, उसे सुरक्षा मिलेगी, उसे न्याय मिलेगी, और यदि हो सके तो मजबूत भाई उसकी सेवा का काम करेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए जन स्वाभिमान मंच का गठन किया गया है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वर्तमान के समय में जिस प्रकार की पार्टियों ने हमारे साथ में छलावा किया है, कोई धर्म के नाम पर छलता है, कोई जाति के नाम पर छलता है, और कहीं ना कहीं गुंडे तत्वों को हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं बंधुओं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जन स्वाभिमान मंच के एक सूत्र में पिरोने का काम करें। याद रखें, मुझे लगता है आने वाला जो भविष्य होगा राजस्थान का, मेरे साथियों, अभी तो मेरी आवाज और आप लोगों की संख्या बहुत कम दिख रही है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जब इस देश के सन्यासी बोला है सत्ताओं की सिंहासन डोले हैं, इस बात को याद रखें, और वो समय दूर नहीं है। हम लोग निकल पड़े हैं, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दर्द है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सबकी बात करते हैं, सब निरोग रहे, सब खुशी रहे, पर आज भारत के इस राजस्थान की धरा पर, महाराणा प्रताप की धरा पर, वीर तेजा की धरा पर, बाबू राठौर की धरा पर, राम सपीर की धरा पर किसी भाई के साथ अत्याचार होता है, और ये सरकार है, ये पार्टी मुख बनकर बैठी रहती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार से 35 कौम को आपने दरकिनार किया? हमारे जाट समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु इस बात को टारगेट करना चाहेंगे, इस बात को बड़ी ताकत के साथ रखना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से जिस तरह का जातिवाद का जहर कुछ नेताओं ने फैलाने का काम किया है, जो जातिवाद को फैला करके जातिवाद का किंग मेकर बनना चाहते हैं, उन लोगों से ये जन स्वाभिमान मंच ने मोर्चा खोला है। या तो राजस्थान से चले जाओ, और या फिर हमें आपको भेजने का काम करेंगे। मेरे साथियों, अब वो समय दूर नहीं है। पहले यूपी में गुंडाराज हुआ करता था, अब सारे के सारे गुंडे यहाँ पर आ गए, और गुंडे गली में हो तो अच्छा लगता है, पर गुंडे विधानसभा में चले गए, सांसद में चले गए, और ऐसी संसद को खराब कर दिया जहाँ से हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है, जहाँ पर हमारे नौजवान बेरोजगार में घूम रहा है उसका भविष्य तय होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग जन स्वाभिमान मंच का हिस्सा बने, आप अपना मेरा परिवार है। मैंने तो अपना घर छोड़ा, मुझे 28 साल हो गए, मैंने अपना घर छोड़े, मुझे 28 साल हो गए, मैं आज तक कभी घर नहीं गया, ना मैंने कभी देखा है मेरा परिवार। परंतु बंधुओं, तकलीफ इस बात की होती है, हमारे गुरु ने हमें यह सिखाया गया कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। यदि किसी की पीड़ा है, किसी का दर्द है, और उस समय यदि सन्यासी का भेष धारण करके आप नहीं बोलते हैं, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है हमारा सन्यास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में बंधुओं, हम सब लोगों को मिल करके जो जातिवाद फैलाने की बात कर रहे हैं, जो मूल ओबीसी के भाइयों का जिनका हक छीना गया जबरदस्ती, एक खेत होता है उसमें चार बेटे हो तो चारों को टुकड़े बराबर मिलने चाहिए, परंतु यह हुआ
एक व्यक्ति को टुकड़ा पूरा मिल गया, तीन बेचारे खेत से बाहर चले गए। अब हमें जो बाहर चले गए हैं, खैर से मेरे साथियों, हम आपको वापस खेत में आपको न दिला करके रहेंगे, इस बात को विश्वास दिलाते हैं। ये समय दिन दूर नहीं है, क्योंकि याद रखना, लोग झूठे झूठे कसीदे पढ़ करके भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें जो ताकत दी है, वो जज्बा, वो शोर, वो एक हमारे हौसला बुलंद करने के लिए कुछ पंक्तियां हमारे जीवन में दी है, जिससे मानवीय समाज का ढांचा चलता रहे। पर दुर्भाग्य तो यह है कि वर्तमान के समय में जिस संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संविधान को दरकिनार करने वाले वो लोग जो नेता बनकर के अपने ही जाति का संरक्षण करते हैं, नेता बनकर के वो गुंडाओं का संरक्षण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने ये मोर्चा खोला है। और इस बात को याद रखें, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का धर्म नहीं होता, मजहब संप्रदाय नहीं होता, उसका काम केवल है कि जनता में भय फैलाना और भय फैला करके गुंडा राज स्थापित करना, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा मेरे साथियों। जब जब इस धर्म पर गीता कहती है, यदा यदा ही धर्म से ज्ञान भूति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सदा मयम, जब जब इस देश खंड काल में अत्याचारी लोग आए हैं, जब रावण आए तो राम को आना पड़ा, जब कंस आए तो कृष्ण को आना पड़ा, अब पांडव ना तो राम आएंगे ना कृष्ण आएंगे, अब तो आपको राम और कृष्ण बनकर उनकी विचारधारा पर चलना होगा। अत्याचारी जो लोग हैं उन्हें उखाड़ फेंकिएगा, वो समय आ गया है। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो मौसम बदलना चाहिए, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबाजों की तरह, अब जनाजा भी उनका शोर से निकलना चाहिए, अब उनका जनाजा निकलने का समय आ गया है मेरे साथियों। अब उठो और ऐसे लोगों का जनाजा निकालो, उन्हें जलाए तो वे ठीक से जलाए। इसलिए जन स्वाभिमान मंच का जो उद्देश्य है, न्याय और सेवा सुरक्षा, ये तीन चीजें प्रत्येक मानव जाति के व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियां जाति धर्म के नाम पर टिकट देती है, ये भी हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। बंधुओं, जिन लोगों पर हमने विश्वास किया, जिन्हें अपना समझा, जिन्हें रिश्तेदार बनाया, जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर हमने भेजा है, उन लोगों ने हमारे साथ केवल छलावा किया है, हमें धोखा दिया है, हमें केवल लड़ाने का काम किया है। अभी चुनाव आएंगे, गांव में दो दरारें पड़ जाएगी, मेघवाल भाई अलग हो जाएंगे, अमुक अमुक समाज अलग अलग हो जाएंगे। पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, एक धागा होता है धागा, जिस प्रकार आप मातेश्वर के गले में माला देख रहे हैं, इसमें धागा है। धागे का कोई मूल्य नहीं होता है, पर मूल्य यदि किसी का तो फूलों का है। ये जन स्वाभिमान मंच धागे का काम करने के लिए आपके बीच में आया है, और ये 35 कौम के फूल मिलकर के हमें माला बनानी है माँ भारती के गले में, और संविधान की रक्षा करने वाले भीमराव अंबेडकर साहब के गले में वो माला पहनानी है 35 कौम के हम लोग मिलकर के। इस प्रकार की जिस प्रकार का पूरा सिस्टम है, ये हो रखा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, 70% हमें इस बात का दुख नहीं है, उनमें योग्यता होगी, उनमें अपनी कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं। परंतु कहीं ना कहीं अब आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, इस मूल ओबीसी के आरक्षण के वर्गीकरण के लिए ये जन स्वाभिमान मंच खड़ा होगा। राणा सर की प्रकरण की बात करते हैं बंधुओं, बहुत मन में दर्द होता है, पीड़ा होती है, हम जैसे संतों को, महात्माओं को मठों से निकल करके वहां जाना पड़ा, और वहां जब गए, हमने उनके पिता से पूछा, वो राजू नाम का उनका पिता, और जिस बेटे की जो दो बेटों की जो हत्या हुई है, बंधुओं, बड़ा विदारक घटना थी। पैसों से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, पर जिस प्रकार से 23 लोगों ने मिलकर के दो दलित भाइयों को मार दिया, मेरे भाइयों, ये कैसी सरकार और ये कैसा सत्ता, ये प्रशासन भी उन लोगों का है, उन लोगों का संरक्षण करता है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपके भुजाओं में ताकत है और सच बोलने की हिम्मत है, तो उठिए और निकल पड़े। यदि आपने सच को सच नहीं बोला, तो आने वाला वो समय राणा सर वाला क्षेत्र में भी आएगा। आप दलित भाई की हत्या हुई है, किसी मूल ओबीसी की भाई की हत्या होगी, कभी किसी की हत्या होगी, और वो गूंज जो उनकी माताएं उनके पिता रो रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे गली और मोहल्ले में नहीं गूंजने चाहिए। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि समय वो दिन दूर नहीं है, हम सब लोग मिलकर के ये जन स्वाभिमान मंच, मैं तो इसका छोटा सा सेवक हूं, ये तो मुझे 35 कौम के लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप भगवाधारी हैं,
और आप इस व्यवस्था को संभालें। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा शत्रु बंधुओं, इस बार ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, इस बार जो जन स्वाभिमान मंच कहे, एक बार हमारे कहने से आप जहां हम इशारा करें आपको वहां वोट की भरमार कर देना मेरे भाई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे पैसा चाहिए आप लोगों से, ना मुझे किसी प्रकार का सहयोग चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ना इस बार कांग्रेस है ना बीजेपी है, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने वाली पार्टियां, अब उनसे हमें जरा सा सावधान होगा होना होगा। इस सनातन को बचाना है, सनातन बच चुका है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। भारत को मोदी जी बचा रहे हैं, हमें तो राजस्थान की बात करनी है, हमें राजस्थान को बचाना है। ये राजस्थान अपनापन के लिए जाना जाता था, पर आज कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं हमारे मन मस्तिष्क को झंझोर देती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आने वाले समय के लिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि 11 सूत्र जो हमारे प्रमुख बिंदु हैं, उसके अंदर सभी प्रकार के बिंदु वो समय आने पर आपको पेपर के रूप में बांटे जाएंगे। और आप सभी युवा साथियों से आह्वान में निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के यदि आप हमारी ताकत बनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार जन स्वाभिमान मंच के कहने पर आप जो हम आपसे निवेदन करें वो आप करिएगा, आप खुद देखेंगे बदलाव अपना आप हो जाएगा मेरे भाइयों। क्योंकि जब तक आप सिस्टम में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक कोई आपकी पूछ होने वाली नहीं है। सिस्टम में जाना पड़ेगा, सिस्टम में घुसना पड़ेगा, और उसके लिए उनकी संख्या कम करने की हमें आवश्यकता है। और जब तक जनप्रतिनिधियों की संख्या कम नहीं होगी तब तक आपको हक अधिकार मिलने वाले नहीं है, क्योंकि उनके आका मजबूत है, मालिक मेहरबान तो गिरा पहलवान, और उनके आका मजबूत है और प्रशासन तो उनका ही बंधुओं। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के 35 कौम की जो न्याय हक की बात करेगा, हम सब लोग मिलकर के मानव से मानव मिलकर के जाति प्रथा जिस प्रकार की शादी तक सीमित होनी चाहिए, शिक्षा तक सीमित होनी चाहिए, पर जातिवाद का जहर जिस प्रकार राजनीति में हो चुका है बंधुओं, ये आने वाली हमारी नस्लों को खराब करेगा। इसलिए समय रहते हुए हम सब लोगों ने एक निर्णय किया है, और ये 29 अक्टूबर 2023 अजमेर की पावन धरा पर प्रतिराज चौहान की धरा पर आप सभी लोगों से निवेदन, कायड विश्राम स्थली आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हम लोगों का लक्ष्य है 7 से 8 लाख लोग इकट्ठे करना। कितने लाख? 7 से 8 लाख लोग इकट्ठे करना। उसके लिए आपको कमर कसनी होगी, कफन बांधना होगा, और एक एक व्यक्ति भगत सिंह बन जाए, एक एक व्यक्ति बंधुओं हम सब लोगों को ताकतवर बनना होगा। और ताकतवर बनने के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, विशेष रूप से क्षत्रिय बंधुओं से, कि मेरे भाई इस बात को याद रखे, आज हमको घर जाना है और घर जाकर यह निर्णय करना है कि एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को दोस्त बनाएगा, 5-5 लोगों को मित्र बनाएगा। मेरी बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप घर जाएंगे और 5-5 लोग 5 भाई बनाएंगे अपने। इस प्रकार से हमारा चैन से चैन बढ़ेगी, और हमें छोटी छोटी नदियां मिलकर के समुद्र नहीं बना करते हैं। यदि सारी नदियां मिलकर के एक समुद्र का बहाव बनेगा तो आने वाले समय में जन स्वाभिमान मंच स्थापित होकर के दलित के लिए, वंचित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सभी लोगों के लिए मिलकर के हम लोग बात करेंगे बंधुओं। इसलिए यदि हम शास्त्र भी इस बात को कहता है कि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे परिवार के लोग 4 कंधे दे देते हैं। क्या कर देते हैं? 4 कंधे देते हैं। पर याद रखना, परिवार के लोगों से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको कुमार भाई भी चाहिए, उसमें आपको मेघवाल भाई भी चाहिए, उस अर्थी को बनाने के सुथार भाई भी चाहिए हमें, और उस मुर्दे का क्रियाकर्म करने के लिए यदि उसे आप चाहते हैं कि ये स्वर्ग में चला जाए तो हमें पंडित जी महाराज भी चाहिए। इसलिए हमें 5 लोग बनाने होंगे, और 5 लोग हम जब बनाएंगे तो मैं समझ सकता हूँ युवा साथियों, युवा क्या नहीं कर सकता है। एक देश का सन्यासी स्वामी विवेकानंद जब वो शिकागो की धरती पर जाते हैं और वहां जाकर के हिंदुत्व के बारे में, मानवता के बारे में शंखनाद करते हैं, वो दुनिया से चले गए 100 वर्ष होने के बाद में भी आज शिकागो की धरती उन्हें याद करती है। मेरे साथियों, हम सब लोग मिलकर के आने वाले राजस्थान को बनाने के लिए हम अपनी ताकत देंगे। याद रखे बंधुओं, मैं तो लगा हूं, कल मैं हनुमानगढ़ था, सुबह मैं सोलत था,
अभी आपके भी जयपुर यहाँ पहुंचा हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए और पांच पांच लोग मिलकर के हमें 7 से 8 लाख लोग हमें वहां इकट्ठे करने हैं। बंधुओं, ये बहुत बड़ा कार्य है, मेरे अकेले से संभव नहीं हो सकता है। मैं खाली बोल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, परिश्रम कर सकता हूँ, परंतु इसमें हमें कहीं न कहीं आपकी ताकत, आपका विश्वास और आपके आत्मबल की हमें मेहनत की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर के इस जन स्वाभिमान मंच को पूरा करेंगे। लोकतंत्र का जमाना है, रानी की कोख से राजा पैदा होता था, समय बदला और समय के साथ बंधुओं आज मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। अरे शिशुपाल जैसे लोग, भगवान कृष्ण के भुआ का बेटा भाई, उसे समझाया गया मान जा, वो नहीं माना, एक बार, दो बार, तीन बार, और जब नहीं माना अंत तो घटवा सुदर्शन चक्र उठाया, जिसे अपना समझा, जिसे गले लगाया, उसने ही गले में बांधकर हमारे को गला दबाने का प्रयास किया है और वही सुदर्शन चक्र उठा करके मार दिया गया शिशुपाल को। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी उठे और आपके पास में वोट रूपी सुदर्शन चक्र है, ऐसे जो शिशुपाल आपके पास में बैठे हैं, आपकी विधानसभाओं में बैठे हैं, उन्हें काटने का काम करिएगा बंधुओं। और वो ऐसे लोग हैं जो हमें लड़वाने की बात करते हैं, यहाँ जातिवाद लड़वाने वाले लोग इस राजस्थान की मिट्टी कभी उसे स्वीकार नहीं कर सकती है। बंधुओं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, हम मुस्लिम भाई को गले लगाना चाहते हैं, दलित भाई को गले लगाना चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर के संग अच्छम संग बदम संग मनांस जानता, हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। कुछ कवि ने लिखा है, पीर हो गई परवस्सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, पर आग लगनी चाहिए। अब आग लगाने का मतलब यही है, ये ज्योति जलेगी और ये ज्योति हमें प्रकाश देगी। अरे मेरे भाई, हमारी आत्मा सोई हुई है, इस आत्मा को जरा सा जुगाओ। ये पार्टी के पिछले को बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्टी के पिछले हुए हैं, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये फलाना पार्टी, ये पार्टियों से भला नहीं होगा। हम सब भाई मिलकर एक रहेंगे तो राज आप लोगों का रहेगा, मानव जाति का राज रहेगा। मेरे साथियों, हम सब लोग पार्टी को इस बार मेरे कहने से खूटी पता, तो मेरे भाइयों देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, देश अपनी जगह पर काम कर रहा है, वो जमाना चला गया। अब आप देखते हैं कि हर सबके साथ सोशल मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबको अच्छा खाना मिल रहा है। इस बार तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें लड़वा रहा है, अनबैलेंसिंग गाड़ी पटरी से नीचे उतर चुकी है मेरे भाइयों, इसे पटरी पर ले आएंगे, फिर हम हमारे मठ में चले जाएंगे। या तो ओबीसी के भाइयों को जिस प्रकार से आरक्षण का भरपूर फायदा उठाया है, या तो वो आगे आए और हमसे समझौता करे, इस बात को वो अपना आरक्षण सरेंडर करे, और वो नहीं करेंगे तो हम हमारे मूल भाई ओबीसी को उसका पूर्ण आरक्षण दिला करके रहेंगे, उसका हक अधिकार दिला करके रहेंगे। मेरे साथियों, ये हमारे जन स्वाभिमान मंच का मिशन है और यही न्याय और सेवा सुरक्षा के साथ आप सभी बहुत देर से बैठे हैं, जितने भी संगठन यहाँ बैठे हैं, मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, यह हमें पद की परवाह ना करते हुए हमें इस मिशन में लगना है। यह आपका अपना परिवार का मिशन है, यह आपको राजस्थान बचाने का मिशन है। हम सब लोग इस मिशन में लगे और माँ करनी से, राम सपीर से, अन्य महापुरुषों से, सावित्री बा फुले से सभी को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, हे मातेश्वरी, हे धरती माँ, यदि आप में सत्य है तो ऐसे दुष्टों का विनाश करिएगा। हम यही चाहते, रावण बहुत ज्ञानी था पर राम बा की धनुष उठाना पड़ा, कहीं न कहीं अभिमान, कहीं न कहीं अहंकार, और कहीं न कहीं भुजा में ताकत हो तो गरीब की सेवा के लिए होनी चाहिए, पर यहाँ उन अधिकारी लोगों के हाथ में जो ताकत है वो आप लोगों को मिटाने के लिए है, वो ऐसी हमें ताकत नहीं चाहिए। बैलेंस जिस दिन हो जाएगा हम मठ में चले जाएंगे, आप अपने परिवार को बचाना, राजस्थान को बचाना। इस बार 2023 में हमारे कहने पर आप चलिएगा बंधुओं, बड़ी खुशी होगी हमें। आप सभी ने शांतिपूर्वक सुना, युवा साथियों ने जिस प्रकार आयोजन भव्य बनाया, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 29 अक्टूबर को हम सब लोग भाई मिलकर के लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचेंगे अजमेर की धरा पर, और बता देंगे सरकारों को, बता देंगे ऐसे गुंडराज जो नेता लोग हैं जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, कि या तो शांति से अपना काम कर लो
या फिर चुपचाप बैठ जाओ, ये माहौल बिगाड़ने का काम होने नहीं देंगे। आप सभी ने सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे। बोले राम साहब फिर की, बोले करणी माता की, बोले चार मुदा भगवान की, बोले भारत माता की जय।